हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे फिर से एक और नए वीडियो में। आज ये व्लॉग नहीं होने वाला है, एक रिव्यू वीडियो होने वाली है जो मैंने अभी परचेज किया। बजट शूज बनाने वाली एक कंपनी है। ये मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से शूज। कौन सी कंपनी का है तो मैं बता दूं आपको, ये नई कंपनी है कुछ, मतलब उस कंपनी के शूज दिख जाएंगे आपको। ब्रांड है नहीं अंडर जो, तो ब्रांड नया ब्रांड है कुछ, उसके जूते हैं थोड़े अच्छे अच्छे, बट ये थोड़ा सस्ता पड़ा मेरे को, इसलिए मैंने सोचा मैं लिया हूँ रेगुलर पहनने के लिए और थोड़ा वैसे भी। एशियन शूज जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बस डब्बे की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और लुक एंड वाइज भी अच्छा लग रहा है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ और उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं आपको। एशियन एशियन कंपनी का मैंने शूज़ मंगाया, आज 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो ये आ गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे सामने। ठीक ठाक है पहनने लायक, और इसका प्राइस आपको मैं बता देता हूँ, अभी लास्ट में बताता हूँ कितने का ये। इसका मॉडल नंबर भी मैं बता दूंगा आपको, अगर बाय कर रहे हो तो आप सोच लेना, फिर समझ लेना, फिर बाय करना ये इस कंपनी के शूज़। और क्या क्वालिटी है, क्या बढ़िया देता है ये आपको, वो मैं बता देता हूँ इस बजट रेंज में। और आप लोग को बजट रेंज में मिल जाती है अच्छे खासे शूज़, तो इसके बहुत सारी वेराइटीज़ के शूज़ हैं जो आप लोग देख सकते हो। फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, अमेज़ोन पे भी दिख जाएगा आपको, और इसकी खुद की वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है लगभग, तो आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी इसकी क्वालिटी की बात करें हम यहाँ पे, तो आप जैसे कि आप देख देख सकते हो, अभी मैंने इसके अंदर से कुछ निकाला भी नहीं है। आई थिंक इसके अंदर अभी मैंने इसका पूरा इसको खोला था पैकेट, और इसके अंदर फॉर्म तो मिलता है, चलो ठीक है कंफर्टेबल के लिए। बाकी ये देख सकते हो आप, फुल सॉफ्ट है शूज़। और बाकी मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, और लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखता है आगे से, जैसे डबल लेयर का कोई शीन नहीं है, ये पूरा ही रबड़ है ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा प्रॉपर रबड़ है, सब लोग देख सकते हो। और बहुत हल्का है, लाइट टू वेट है, आप लोग कैरी कर सकते हो, रोजाना पहनने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और बाकी थोड़ा फैशनेबल भी है, ठीक ठाक है मतलब की। और इसकी रेंज की मैं बात करूँ तो ये मेरे को पड़ा है 699 का, 700 रुपीज़ का ओनली, तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी आई थिंक बेटर है। और इसको और इसके बारे में और बता दूँ, ये नंबर 9 नंबर है जो मैंने मंगाया है लिए। और क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ इसके अंदर जो मेरे को प्रोडक्ट मिला है ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, देख सकते हो, तो मैं सोच रहा हूँ इसको रिटर्न करूँ क्या करूँ, तो मैं इसको रिटर्न डालूंगा, बाकी दूसरा शूज़ आएगा। बाकी इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको तो रिटर्न करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ना ब्लैक शेड आ रहा है, कहीं पहना हुआ मुझे यूज़ लग रहा है, या फिर इसे बनाते समय गंदा हो गया है ऐसा लग रहा है, तो उसका मैं देखूंगा रिटर्न करना है नहीं करना है, या फिर पहनूंगा। बाकी इसको मैं ट्राई ट्राई जरूर करूंगा कि हाँ मेरे को पहन के कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है नहीं लग रहा, आपको दिखाता हूँ अभी। बाकी इसका पैकेजिंग भी अच्छी थी जो आपको मैंने वीडियो में डाल रखी है, आप देख सकते हो। बाकी इसकी पैकेजिंग में कुछ मतलब इसका डब्बा है जो ना, वो डब्बा थोड़ा सा टूट गया था, बाकी सब तो बेटर था इसके अंदर। बाकी आप लोग शूज़ देख सकते हो, मस्त है, अभी मैं पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी जो चुरा पहन रखा है मैंने, बाकी को थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। मैं शूज़ तो वो ऑर्डर करने वाला था कोई और सा, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया बहुत जल्दी। बाकी है तो बड़ा मस्त, तो टाइट टाइट है पहनने के बाद, थोड़ा सा ना लगता है स्टार्टिंग डेज में, बाकी तो सही है। ये ब्रांडिंग भी दे रखी है इसके उस पर अपर साइड में, कि आपको भी दिखा देता हूँ मैं, पहनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ये, और है तो कंफर्टेबल, अच्छा लग रहा है, आवाज़ भी कर रहा है, ये रबड़ होने के बाद भी आवाज़ कर रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हार्ड रबड़ है और कंफर्टेबल है पहनने के बाद। बैक करो, बैक से इधर से देख सकते हो, बाकी दिख रहा होगा आपको, तो आप लोग अगर बाय करना चाहते हो तो इसे बाय कर सकते हो। बाकी क्वालिटी के हिसाब से 600 रुपये में बहुत अच्छा है, जो आपको दुकानों पर नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है बाकी अलग अलग एरिया की बात है ना, तो मेरे एरिया में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा 600 रुपये में तो नहीं मिलेगा, कम से कम 1000 से 1200 रुपये में जाओगे तो आपको अलग अलग कंपनियों के ब्रांड मिल जाएंगे, कॉपी मिल जाती है, तो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइज जैसे आप लोग बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और शूज़ कैसा लगा वो भी बता देना। अगर आप लोग शूज़ की वीडियोज़ चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं और शूज़ की वीडियोज़ लेके आऊँगा, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स की वीडियो लेके आऊँगा। ब्लॉग्स तो आप लोग देख नहीं रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और ट्राई किया जाए। तो गाइज अभी तक आपने पूरी वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।
और कमेंट में जरूर बताना कि आपको अगर और वीडियोस चाहिए तो मैं जरूर ट्राई करूंगा लाने की। बजट शूज के लिए मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं होगा 10-20 हज़ार के शूज लेने का, तो मैं 1,000 से 1,500 रुपये तक के शूज मंगा के आपको दिखा सकता हूँ और रिव्यू दे सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर लाऊंगा आपके आपके पास वीडियो, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यू लेके आऊंगा आप। मैं तो प्रोडक्ट्स रिव्यू की वीडियोस भी ला सकता हूँ मैं बहुत सारी, अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं अच्छे खासे और व्यू भी आते हैं वीडियोस पे तो।